मुख्यमंत्री संबल योजना के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा प्रदेश के संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में राशि का वन क्लिक के माध्यम से हस्तांतरण किया गया। विदिशा जनपद कार्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। 65 हितग्राहियों के खाते में तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। रेता बजरी से किसी भी भवन का बनना तो आसान होता है, लेकिन धन्यवाद प्रेषित करें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब ग्वालियर एयरपोर्ट बना, ग्वालियर की संस्कृति भी दिखेगी, समूचे ग्वालियर को एयरपोर्ट की बिल्डिंग में समावेश करके जो उसको प्राणवादित सिंधिया जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक और विशेषता, आम तौर पर हम लोग जब अपना मकान एयरपोर्ट में ग्वालियर का किला भी दिखेगा, केली का मंदिर भी दिखेगा, सास बहू का मंदिर भी दिखेगा, जयविलास भी दिखेगा, राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमा का भी लोकार्पण हुआ है। राजमाता जी के प्रति इस अंचल ही नहीं पूरे देश के लोगों की श्रद्धा रही है। वो बहुत गरीब परिवर्तन थी, संवेदनशील थी, जनता के लिए समर्पित थी। और जब जब आज जनपद पंचायत विदिशा और नगर पालिका विदिशा के दोनों संबल योजना के हितग्राहियों का लगभग 1.5 करोड़ रुपया और 50 लाभार्थी जनपद के और 15 लाभार्थी नगर पालिका से लिए गए थे और लगभग 1.5 करोड़ रुपया संबल योजना में बांटा गया। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने ये जो है योजना चालू करी थी, और उन सभी को शुभकामनाएं जिनको आज लाभ वितरित किया गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद।